हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो बेसिकली लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक है, इस लेक्चर में हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डील करेंगे। हम लोग जुडिशरी पढ़ रहे थे, जुडिशरी में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी कि कैसे जजेस, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉमिनेट होते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, उनका रिमूवल कैसा होता है, रेक्यूजल ऑफ जजेस कैसा होता है, और हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें कवर अप करेंगे। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126 में दिया गया है कि एक्टिव चीफ जस्टिस क्या है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वेकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परली एबसेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। बहुत सिंपल है, जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट होगा, जब चीफ जस्टिस टेम्प्रेरी एबसेंट होंगे, कुछ बीमार वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उस समय पे एक्टिंग चीफ जस्टिस सिर्फ एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, कुछ एक चीफ जस्टिस के काम किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 126। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन वॉट आर द एडॉक जजेस। बेसिकली इस लेक्चर में हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं ये आ ही जाते हैं, भले ही छोटे हैं लेकिन हमें इन्हें कवर तो करना ही है, तो हम इन्हें अच्छे से एक बार देख लेते हैं, आपका भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। सिंपल है तो क्या हुआ। नाउ व्हाट आर एडॉक जजेस, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 127। When there is a lack of quorum of permanent judges to hold and continue any session of Supreme Court, the Chief Justice of India can appoint a judge of High Court as an ad hoc judge of Supreme Court for a temporary period. अब हमने quorum का हमने देखा था, हमने quorum parliament में देखा था कि एक sufficient amount of judges होने चाहिए, एक sufficient amount of MPs होने चाहिए parliament के session को run करने के लिए। तो वैसे ही एक sufficient amount of judges होना चाहिए। अगर judges की बहुत ज़्यादा कमी है, Supreme Court में नए judges appoint नहीं हो रहे हैं, तो कुछ time के लिए ad hoc मतलब temporary, ठीक है, एडहॉक आपने बहुत बार सुना होगा ना, एडहॉक फैकल्टी, एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए फैकल्टी आपके कॉलेजेस में होती है ना, एडहॉक फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सेम वे में एडहॉक जजेस होते हैं। एडहॉक जजेस कौन होते हैं? जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं। कौन होते हैं? जज ऑफ द हाई कोर्ट को बनाया जाता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस दिए जाते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट को बोला जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस परफॉर्म कीजिए, आप टेम्प्रेरी बेसिस पे, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप टेम्प्रेरी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ही कैन डू सो ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के किसी जज को, किसी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के किसी जज को एडहॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जज बनाया जाता है, जज अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे कि ये आप उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और आप ही के हाई कोर्ट के ये जो जज हैं, इन्हें हम एडहॉक बेसिस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाहते हैं, तो आपको हाई कोर्ट, आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना होगा। देन उससे पहले विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उससे पहले वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है, तो हम एडहॉक बेसिस पे इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। The judge so appointed should be qualified for the appointment as a judge of Supreme Court. जो जज अपॉइंट हो रहे हैं, जो हाई कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट हो रहे हैं, उनकी ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन उनकी भी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था, हमारा जो फर्स्ट जुडिशरी का जो लेक्चर था, जिसमें हमने NJAC और वो जो सारी बातें की थी, उसमें हमने क्वालिफिकेशन की भी बात करी थी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इतनी एज लिमिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बात की थी। सो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए। क्लियर हुआ। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ जज सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू द अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अब मान लीजिए कि मैं
मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट कर लिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पे जज हैं। अब मैं मध्य प्रदेश का भी हाई कोर्ट का जज हूँ, ठीक है, मैं हाई कोर्ट का भी जज हूँ एट अ टाइम, एंड मेरे साथ में सेकंड कंडीशन भी है कि मैं एडहॉक जज भी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, मैं एडहॉक जज भी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे इन दोनों काम को साइमल्टेनियसली देखना है, लेकिन मुझे प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस पे ज़्यादा देनी होगी कंपेरेबल टू हाई कोर्ट, मुझे सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस पे ज़्यादा देनी होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ही इसलिए किया गया है कि वहाँ पे जजेस की अभी बहुत ज़्यादा कमी है, एक क्वॉरम मेंटेन नहीं है, बहुत कम जजेस हैं, तो इसलिए मुझे फोकस सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे देना होगा, प्रायोरिटी मुझे सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे देनी होगी, फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं जो हाई कोर्ट का जज हूँ मैं उस अपनी ड्यूटी को आगे फुलफिल करूँगा। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ जज टू बी अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ऑफिस, उसको प्रायोरिटी देनी है। वाइल सो अटेंडिंग ही इंजॉय द ज्यूरिसडिक्शन पावर प्रिविलेजेस ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अब मैं हाई कोर्ट का भी जज हूँ और मैं एडहॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जज हूँ, तो मेरे जितने भी पावर और प्रिविलेजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर प्रिविलेजेस होते हैं सेम वो मेरे पास भी रहेंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे काम करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे मैं प्रायोरिटी बेसिस पे करूँगा। ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई। एडहॉक जजेस इज गिवन अंडर आर्टिकल 127 और एक्टिंग चीफ जस्टिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 126। नाउ व्हाट आर रिटायर्ड जजेस के दिया है आर्टिकल 128 में। अब जैसे हाईकोर्ट के जज को एडहॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ टाइम तक और जज बन सकते हैं टेम्प्ररी पीरियड के लिए, क्योंकि एक क्वारम मेंटेन है, वहाँ पे जजेस की कमी है। ऐसे रिटायर्ड जजेस के केस में भी ये वाला प्रोविजन है कि कोई जज रिटायर्ड हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट केस में अगर जजेस की कमी है तो रिटायर्ड जजेस को कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस वो सुन सकते हैं, उन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट का जजेस एक टेम्प्ररी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ एन हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्प्ररी पीरियड। टेम्प्ररी पीरियड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो रिटायर्ड है कि आप टेम्प्ररी पीरियड के लिए आप प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट के ये केसेज हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में वाकई में क्योरम मेंटेन है, ज़्यादा वैकेंसीज फिल नहीं है, तभी रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरी वैकेंसीज फिल है, सारी पोस्ट एकदम फिल है, फिर हम जजेस को रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तभी होगा जब क्योरम फुल नहीं है, जब लैक ऑफ क्योरम है, ठीक। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो टू द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अब प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट लेना है, प्रीवियस कंसेंट लेना है, प्रेसिडेंट से प्रीवियस परमिशन लेना है, कंसेंट मतलब एक तरीके से रजामंदी, ठीक है, एंड टू द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अब वो उन्होंने मान लो मुझे अप्रोच किया, जैसे मैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो मुझसे भी पहले पूछेंगे ना कि हम चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के टेम्प्ररी बेसिस पे आप जज अपॉइंट हो जाइए, तो आप रेडी तो हैं, फिर ही हम बात आगे करें, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं तो रेडी हूँ, क्यों मैं क्यों चाहूँगा कि मैं रिटायर्ड हूँ, है ना। सो ये वाला केस है। सच अ जज इज एंटाइल टू सच अलाउंसेज एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। इनके अलाउंसेज वो सारे होंगे जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ही विल ऑल्सो इंजॉय ऑल ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन पावर प्रिविलेज जो जज को मिल रहे हैं सेम वो उन्हें ही मिलेंगे। अलाउंसेज प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन्हें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्प्ररी बेसिस के लिए हैं, ये सिर्फ एक टेम्प्ररी बेसिस के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, ये कुछ टाइम के लिए है, फिर इन्हें वापस उन्हीं अपने रिटायरमेंट वाले जोन में ही जाना है, ठीक है। सो
ही विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्हें बोला नहीं जाएगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. क्लियर. नाउ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अभी दिल्ली है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट इट ऑल्सो ऑथराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो कोई अदर प्लेसेस को भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज कर सकते हैं कि कोलकाता में भी एक सीट होगी, भोपाल में भी एक सीट होगी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो. ठीक है. बट इट ऑल्सो ऑथोराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेसेज और प्लेसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी. ये ऑप्शनल प्रोविजन, ये कोई कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है. चीफ जस्टिस की इच्छा हुई तो. दिस मीन्स नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस to appoint any other place as a seat of Supreme Court. इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी चीफ जस्टिस को ऑर्डर नहीं दे सकता. कोई भी कोर्ट, कोई भी जज, कोई भी इंसान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप यहाँ पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की एक सीट को ऑथोराइज कीजिए, यहाँ पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की सीट ऑथोराइज कीजिए. ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस चाहे तो कहीं और भी सीट्स हो सकती हैं. मान लो कि कोई केस इंपॉर्टेंट है, कोलकाता का कोई केस है, तो हो सकता है कि जजेस जो चीफ जस्टिस है वो कोलकाता को एक सीट बना दे सुप्रीम कोर्ट की. ठीक है. आगे आपको समझ में सारी चीज़ें क्लियर हैं. बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऑप्शनल प्रोविजन्स है. अगर चीफ जस्टिस चाहेंगे तो होगा, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव वगैरह नहीं होगा. कोई भी कोर्ट, कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बोल सकते. नाउ प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग द जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट. अब कोर्ट के क्या प्रोसीजर होंगे, कैसे केसेस की सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर जनरली कि कैसे प्रैक्टिसेस होगी, पहले प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन के अकॉर्डिंग. अब आप बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत क्यों है. प्रेसिडेंट की परमिशन इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज है. सारे ऑर्गन्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो रिस्पॉन्सिबल होना होगा. इसलिए यहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी की पावर अनलिमिटेड ना हो जाए. तो इसलिए उसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. ये सारी चीज़ें करेगा सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कि हमें ऐसे फंक्शंस करना है, ऐसे होगा. लेकिन उसमें आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा और प्रेसिडेंट जैसा सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वैसे यूजली अप्रूवल दे भी देते हैं. The constitution cases or references made by president under Article 143 are decided by the benches consisting of at least 5 judges. अब इस लाइन का बेसिकली मतलब है कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है अंडर आर्टिकल 143. ठीक है, जो कि एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है. इसे हम, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, हम जब जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी. फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट मैटर है. ठीक, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं कि आप अपनी एडवाइस दीजिए. प्रेसिडेंट वो केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं और ऐसे केसेस एटलीस्ट 5 जजेस बेंच सुनेंगी. ये केसेस को एटलीस्ट 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुनेगी. देखो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, 34 जजेस हैं. तो क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक साथ में पूरे 34 जजेस बैठ जाएंगे और केसेस को सुनेंगे. अलग अलग बेंचेस बना दी जाती है. कुछ केसेस सिर्फ सिंगल जजेस सुनते हैं, कुछ केसेस दो जजेस बैठ के सुनते हैं. ठीक है, कुछ केसेस 3 जजेस, कुछ केसेस 5, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके केसेस को ऐसे बेंचेस में डिवाइड कर दिया जाता है कि कोई केस एक जज सुन रहे हैं, कोई केस दो जज बैठ के एक साथ में सुन रहे हैं, कोई केस 5 जज बैठ के एक साथ में सुन रहे हैं. तो ऐसे बेंचेस में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, तो जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे और प्रेसिडेंट जब उसको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे तो वो एटलीस्ट 5 जजेस सुनेंगे बैठ के. क्लियर है ये वाली चीज़ भी समझ में. ऑल अदर केसेस डिसाइडेड बाय द सिंगल जजेस एंड डिवीजन बेंचेस द जजमेंट्स आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट में होता है और हम लोग भी सुन सकते हैं, हम लोग भी उन प्रोसीडिंग्स वगैरह को देख सकते हैं. और अब जैसे 2 जजेस हैं तो 2 में तो खैर अगर दोनों के अलग अलग ओपिनियन हुए तो
वर्डिक्ट ही नहीं आएगा, मतलब आगे हो जाएगा, एटलीस्ट मेजॉरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन जब तीन जजेस का है, मान लो कि कोई केस तीन जजेस सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 2:1 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर एक जज डिसेंट भी करता है तो भी कोई इशू नहीं है, दो जज अगर एक जजमेंट के फेवर में है तो उस जजमेंट को मान लिया जाता है, मेजॉरिटी बेसिस पे काम चलता है। इनके भी ओपिनियन नोट किए जाते हैं, इनके भी ओपिनियन रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं कि इन्होंने डिसेंट क्यों किया, इनके ओपिनियन क्या है। लेकिन जो वर्डिक्ट होती है वो मेजॉरिटी बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं है कि तीन है तो तीनों के तीनों को सहमत होना पड़ेगा, मेजॉरिटी बेसिस पे होगी। मान लो 5 जजेस बेंच कोई केस सुन रही है तो 3:2 केस में वर्डिक्ट आ सकता है। तो जो 3 वाले होंगे, उनके जो 3 वाले जजेस होंगे, जिस ओपिनियन पे 3 जज सहमत होंगे, उस ओपिनियन को मान लिया जाएगा और वैसी वर्डिक्ट दे दी जाएगी। ऑल द जजमेंट्स आर बाय द मेजॉरिटी वोट, बट इफ डिफरिंग देन जजेस कैन गिव अ डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियन। लेकिन अगर अलग अलग ओपिनियन है वही, तो सारी चीजें रिकॉर्ड में ली जाती है। अगर 5 में भी जजमेंट आया 3:2, तो इनके ओपिनियंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, इनके ओपिनियंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बकायदा एक पूरा रिकॉर्ड होता है, हम उसे आगे देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। इनके भी सारे डिसेंट्स के ओपिनियन लिखे जाएंगे ताकि कभी फ्यूचर में रेफरेंस हो, कभी इससे रिलेटेड वापस मैटर आए तो इनके ओपिनियन को भी देख सकें कि इन्होंने डिसेंट क्यों किया था, इन्होंने इन मेजॉरिटी से अलग पक्ष में इन्होंने जजमेंट क्यों दिया। क्लियर है, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई। देन इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप अभी तक आपको ये 5 चीज़ें समझ में आ गई होगी, अभी तक जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हम क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से देखो आप ये समझो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन का हमने देखा था कि ये 3 ऑर्गन होते हैं, ये आपको भी पता है कि ये 3 ऑर्गन होते हैं। तो इन तीनों ऑर्गन में एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसी ऑर्गन पे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा ये 3 ऑर्गन है, अगर आपको इन तीनों ऑर्गन में से सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कौन से ऑर्गन पे होगा, आप यही बोलेंगे कि सर हम ट्रस्ट तो सबसे ज़्यादा जुडिशरी पे ही कर पाएंगे, एक बार इन दो ऑर्गन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जुडिशरी पे हमारा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रस्ट 8th है हमारा, यहाँ पे ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी करप्शन होता है और ये इनसे मिले ही रहते हैं। चीज़ें यहाँ पे भी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि चीज़ें यहाँ पे भी ठीक नहीं है, बट तो भी अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तीनों ऑर्गन्स को कंपेयर करें तो जुडिशरी पे हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर कभी स्टेट हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या स्टेट हमारे लाइफ में इंक्रोच करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं हम जुडिशरी में केस फाइल कर देते हैं, है ना, हम जुडिशरी में केसेस फाइल कर देते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट जुडिशरी। अब जब सिटीजन्स इतने ट्रस्ट कर रहे हैं तो इस ऑर्गन की इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इस ऑर्गन की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक रीज़न अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में 70% ऑफ द केसेस है, दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो सरकार के खिलाफ केस है, ठीक है, दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अगर हमारा जुडिशरी पे विश्वास नहीं होगा तो फिर सोसाइटी में कितना डिस्ट्रस्ट या कैसी भावना होगी, एकदम मिस्ट्रेस वाली भावना हो जाएगी ना, किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जुडिशरी कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है, जुडिशरी इज़ अ गार्जियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज़ अ गार्जियन ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज़ अ फेडरल कोर्ट, द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील।
ऑल्दो इसे हम फिर से करेंगे, कोर्ट ऑफ अपील क्या है, जब हम ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कोर्ट ऑफ अपील भी देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब कि अगर हम लोअर जुडिशरी के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, अगर हम हाई कोर्ट के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इट इज़ एन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एकदम हमारा आखिरी जो हम बोलते हैं ना आखिरी मंजिल है कि हम अगर जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम डायरेक्ट हम वहाँ तक चले जा सकते हैं, इट इज़ एन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक, तो इसका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब ये हुआ, इट इज़ अ गारंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज़ अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट्स इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज असाइन टू इट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंक्रोचमेंट प्रेशर एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। अगर यहाँ पे सरकार मिल जाएगी तो अगर आप ये सोचिए फिर जुडिशरी की हालत क्या होगी, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के निट होने लग गए तो फिर जुडिशरी की हालत क्या होगी, आप खुद सोचिए कि जिस ऑर्गन पे हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गन सरकार के खिलाफ इतने सारे केसेस को देख रही है, अगर वहाँ पे सरकार से मिली भगत हो गई, अगर दोनों की आपस में दोस्ती हो गई तो सोसाइटी के लिए एज अ नेशन के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हमेशा बात होती है। अब हम कैसे बोलेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है या नहीं है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करते हैं, फिर एनालिटिकल पार्ट पे आएंगे तब आपको तो बहुत मज़े आएंगे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करते हैं जो यूजली बुक्स वगैरह में, देन वी विल गो टू द एनालिटिकल पार्ट जो कि बुक्स में नहीं है। The Constitution had made the following provision to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of Supreme Court. Now the mode of appointment, judges का appointment कैसे होता है, हमने देख लिया था कि collegium system से होता है judges का appointment, judges appoint themselves, और इसका हमने criticism भी देख लिया था, जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ आप जाइए और NJAC वाला वीडियो देखिए, NJAC एक्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। तो हमने मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या किया, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से हमें ये समझ में आया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ऑल्दो इसके क्रिटिसिज्म है, और इसके क्रिटिसिज्म हम हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है जुडिशरी का उसमें हम बात कर चुके हैं। नाउ सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ अ टेन्योर, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर्स ऑफ द ग्राउंड मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम, ऑल्दो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर रहा है लेकिन वो ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होल्ड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आज प्रेसिडेंट की इच्छा हुई तो प्रेसिडेंट ने रिमूव कर दिया जजेस को। गवर्नर के केसेस में हमने क्या देखा था, गवर्नर की जब हम रिमूवल की बात आ रही थी तो हमने देखा था कि ऐसा सच कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जब प्रेसिडेंट बोलते रेजिग्नेशन दे दो तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, लेकिन क्या ऐसा जुडिशरी में है, जुडिशरी में ऐसा नहीं है, जुडिशरी में एकदम पूरा प्रोसेस है, पूरा रिमूवल का एक कंप्लीट प्रोसेस है, दैट टू वी हैव डिस्कस्ड इन अ वीडियो दैट इज नेम इज रिमूवल ऑफ जजेस। एक बार ये आपके सारे वीडियोस का रिवीजन भी हो जाएगा, आप जिसने नहीं देखे हैं इसलिए उनके लिए मैंने ये बताया कि गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। देन फिक्स सर्विस कंडीशंस, द सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेज लीव पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट इन्हें चेंज कर देगी, चेंज इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल कोई जज बन गए फिर उनकी सैलरी कम कर दी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ सैलरीज पेंशन वगैरह ये तभी कम हो सकती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, दस द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, यहाँ पे सिर्फ फाइनल इमरजेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं जजेस की सैलरीज वगैरह। अगर आप देखेंगे तो हम सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक करने लग गए हैं एंड दैट इज़ वॉट इज़ UPSC। अगर आप सोचेंगे कि हम जुडिशरी को अलग से पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट को अलग से पढ़ेंगे, हम इमरजेंसी को अलग से पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, और अगर आप इस अप्रोच में हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच में हैं। हमने जिस हिसाब से लेक्चर्स रखे हैं आप खुद ही देखें तो एक अलग ही फॉर्मेट है उन लेक्चर्स का, लेकिन वो सारे लेक्चर्स लिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमने क्यों इमरजेंसी प्रोविज़न पहले पढ़ा था, क्योंकि ताकि ये वाली लाइन आपको क्लियर हो, ताकि आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर होती जाए, एक लिंक बनती जाए,
सो आपको भी लिंक बनाना है, आपको सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. नाउ एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जुडिशरी की जो सैलरीज होती है, जो अलाउंसेज होते हैं, जो पेंशन होते हैं, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, दे आर नॉट, उन्हें पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती है, दे आर नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट. मतलब ये खर्चा होना ही है, पार्लियामेंट उनको वोट करके रोक नहीं सकती है, ये खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना ही है हर कीमत पे. क्लियर है, ये वाली चीज़ समझ में आई. इनको पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, जैसे हमने क्या देखा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी रुपए निकलते हैं वो लोकसभा में बाद में उन्हें अप्रूव किया जाता है, तो, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना जब हम बजट पढ़ रहे थे. लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या है कि ये पार्लियामेंट में वोट नहीं होते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो ये खर्चा होके ही रहेगा, इन पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, इनको कम नहीं कर सकती है. क्लियर है, आगे आपको समझ में. देन कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट में जुडिशरी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा कि ये जजमेंट ऐसा क्यों दिया या ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी जुडिशरी से रिलेटेड पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता है, ना ही राज्यसभा में ना ही लोकसभा में. ये एक कन्वेंशन है कि हम ये सारे ये डिस्कशंस डिबेट्स वगैरह जुडिशरी से रिलेटेड पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशंस नहीं हो सकता है. क्लियर है, एक्सेप्ट अब किसी जज को मान लो रिमूव ही करना है, तो रिमूव करना है तो अगर जजेस जज को रिमूव करने का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है तब सिर्फ उस जजेस के बारे में डिस्कशन होगा ना, क्योंकि उस मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी था. हमने देखा था कि जजेस के रिमूव करने के ग्राउंड्स क्या थे, या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी था, तो इसके तहत उस जजेस के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि रिमूवल आया है तो कुछ चार्जेस होंगे. अब वो चार्जेस होंगे तो चार्जेस डिस्कशन होंगे, सिर्फ रिमूवल ऑफ द जजेस ही, रिमूवल ऑफ द जजेस का ही डिस्कशन हो सकता है, इसके अलावा जुडिशरी का पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है. क्लियर. देन बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड from pleading or acting in any court or before any authority within the territory of India. This ensures that they do not favor anyone in the hope of future favor. जब जजेस रिटायर्ड होते हैं तो वो लॉयर बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कोर्ट में. ठीक है, मान लो मैं जज था, मैं रिटायर्ड हो गया, तो मैं लॉयर बन के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ. तो बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं. लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आपको ध्यान हो, नहीं भी ध्यान हो तो आप गूगल कर सकते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट, अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट देखें तो एक जज जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि कोई जज गवर्नर बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें गवर्नर नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जज का राज्यसभा में आना, गवर्नर होना, या फिर कोई सी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे कोई पोजीशन होना, क्या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो रहा है. अब चलो आप लॉयर बन के तो आप केसेस नहीं लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो आप कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हो ना. इस पर हम तो डिस्कस करेंगे, इस पर एक लेक्चर है बहुत अच्छा, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप भी सोचिएगा थोड़ा बहुत. ठीक, सो हम इसके क्रिटिसिज्म पे और एनालिसिस के पे बाद में आएंगे. पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट भी बहुत चल रहा है. अभी आप शॉर्ट में इतना समझिए कि कोई भी अगर जुडिशरी का आज्ञा का पालन नहीं करता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे ऊपर कोई केस हुआ और जुडिशरी ने मुझे बोला कि सिद्धार्थ पटेल को आना होगा इस डेट को इतने बजे. अब मान लो मैं उस डेट को उतने बजे वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो मैंने जुडिशरी की अवमानना की है, तो जुडिशरी के पास में पावर है कि वो मुझे सजा दे सके छोटी मोटी. ठीक है, पावर ऑफ द कंटेम्प्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर हिज कंटेम्प्ट, दस एक्शन एंड डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड अपोज बाय एनी बॉडी. दिस पावर इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर. ये सुप्रीम कोर्ट के पास में अथॉरिटी है, या फिर किसी जजेस का क्रिटिसिज्म करना उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में. ऑफिशियल कैपेसिटी में मतलब हम जज को एक इंडिविजुअली क्रिटिसाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जज हूँ, ठीक है, तो आप मुझे इंडिविजुअली क्रिटिसाइज कर रहे हो कि सिद्धार्थ पटेल तो ऐसा है कि, मतलब कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उनके घर के आइट साइड में बहुत गंदगी रहती है, तो आप मुझे इंडिविजुअली क्रिटिसाइज कर रहे हो कि जो जज हैं सिद्धार्थ पटेल उनके घर के आइट साइड में बहुत गंदगी रहती है, तो आपने इंडिविजुअली क्रिटिसाइज किया. लेकिन अगर आप मुझे ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि सिद्धार्थ पटेल जो कि जज है, जो कि सरकार से मिला हुआ है और इसलिए उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया है,
तो जुडिशियल कैपेसिटी में अगर आपने क्रिटिसाइज किया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में आता है। ये भी रिसेंट में चल रहा है, इस पर भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे आपको, लेकिन एक ओवरव्यू मिल रहा है कि हम कैसे कैसे बात करेंगे और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में या जुडिशरी के पास में पावर है। देन फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर सर्वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। अब सारे स्टाफ्स भी तो लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पियोन लगता है, असिस्टेंट्स वगैरह लगते हैं, तो ये सारी पावर किसके पास में, चीफ जस्टिस के पास में है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं और उनकी सर्विस कंडीशंस वगैरह भी कौन डिसाइड करेंगे, चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं है। एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस क्यों नहीं है ये आप सोचिए। मान लो अगर कोई पियोन है, ठीक है, उसे अगर सरकार गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो पियोन को गवर्नमेंट फ़ोन करके बता सकती है ना कि देख लेना वो जजेस की फाइल में क्या है, वो जजेस क्या वर्डिक्ट देने वाले हैं, मुझे पहले ही फ़ोन करके बता देना। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार उनको अपॉइंट करेगी तो कहीं पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो इसलिए इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं और इनकी सर्विस कंडीशन भी वही डिस्क्राइब करते हैं। इट्स जुरिस्डिक्शन कैनॉट बी कर्टेल्ड, द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द सुप्रीम कोर्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस काइंड, हाउएवर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द सेम। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि फंडामेंटल राइट्स के मैटर सुप्रीम कोर्ट सुन सकते हैं, कि अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट सुन सकते हैं। अब पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है कि आज से सुप्रीम कोर्ट कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर किसी की वायलेट हुई तो सुप्रीम कोर्ट अब वो केसेस नहीं सुनेगा। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट इनके जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती है, लेकिन इनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है। हो सकता है पार्लियामेंट और बढ़ा दे कि चलो कोई लीगल राइट भी वॉयलेट हुई तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो जुरिस्डिक्शन को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है। क्लियर है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारा DPSP है उसमें आर्टिकल 50 जो है वो क्या बोलता है कि देयर मस्ट बी अ सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी। ये क्यों है, ताकि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फंक्शंस करे। रीज़न आपको पता है किसके खिलाफ कितने केस है, क्या है, ठीक है, अपॉइंटमेंट रिमूवल सब में इनमें एक सेपरेशन होना चाहिए, सो दैट कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा इंडिया एक बहुत अच्छे से वर्क करे। और इंडिया से ही सवाल नहीं है, ये हर कंट्री पे लागू होता है, सो दैट कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेवलप रहे इन सिटीजन्स के मन में एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेवलप रहे। आई होप आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये इससे पहले के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे समझ में आए होंगे। दे आर मोस्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत का ही हमने लेक्चर कवर किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम एनालिटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन इन द राज्यसभा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इन सारे लेक्चर्स पे, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।